हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूरान, थायोफिन और पायराल, इन तीनों के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इनका प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो में पहले ही बता दिया था, फ्यूरान का स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स और साथ ही साथ उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, क्यों C2 पोजिशन पर आसानी से प्रिफरेबल होता है देन कम्पेयर C3 एंड C4। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला प्रॉपर्टी फ्यूरान का। फ्यूरान की प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हेडिंग डालिए फ्यूरान। तो फ्यूरान में पहले हम इसके लिखते हैं प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन में, फ्यूरान के प्रिपरेशन में फर्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड में क्या होता है, हम यहाँ पे लेते हैं म्यूसिक एसिड, उसका क्या कराते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन होने के बाद जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाती है और यहाँ से एक मालिक्यूल CHOH, ये मालिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो हमारे पास तीन मालिक्यूल इसके बचेंगे, CHOH के 4 और एक CWH। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये CWH और यहाँ से CO2 गैस रिमूव हुआ, SHO। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्दर CWH है, हम थोड़ा सा जरा सा हीट दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस हटते ही यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, CO2 गैस। और हमें पता है कि जब भी किसी मालिक्यूल में कोई गैस फॉर्म हो जाती है तो वहाँ पर एंट्रोपी सपोर्ट करती है उसको बाहर निकलने में, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे फ्यूरान का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है इसलिए इसके मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करते। दूसरा मैं दैट है फ्रॉम फर फ्यूरल। तो फर फ्यूरल में क्या होता है, ये फर फ्यूरल है, यहाँ पे स्टीम यानी हॉट हीट प्रोड्यूस किया जाता है 673 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे। किसके प्रेजेंस में, ZrMn के प्रेजेंस में होगा। क्या यहाँ पे जहाँ पे हीट दिया गया स्टीम के थ्रू, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, H रिमूव हो जाए यानी हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि मेटल मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिडक्शन होता ही है। तो जो भी यहाँ पर रिडक्शन होगा CHO से, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ से H क्या होगा, रिमूव होगा। H रिमूव होते हैं यहाँ पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। फिर वही बात कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी किसी रिएक्शन में कोई गैस फॉर्म हो जाती है मॉलिक्यूल के साथ, तो एंट्रोपी सपोर्ट करती है गैस की, क्योंकि गैस की एंट्रोपी सबसे कम होती है, ज़्यादा होती है। तो ये सब निकलने के लिए यहाँ पर हेल्प करेगा, CO गैस यहाँ से निकल जाएगी और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा आपका फ्यूरान। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है, जिसका नाम है पॉल नॉर सिंथेसिस। तो पॉल नॉर सिंथेसिस में आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैकेनिज्म वाला पार्ट, पॉल नॉर सिंथेसिस इसका मैकेनिज्म, क्योंकि सिंथेसिस है तो ये मैकेनिज्म में पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये अलग से भी शार्ट नोट्स के लिए आ जाता है। पॉल नॉर सिंथेसिस, देखिए इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें लिया जाता है आपका फ्यूरान के लिए, क्योंकि ये जो पॉल नॉर सिंथेसिस रिएक्शन है, ये फ्यूरान के लिए भी होता है, थायोफिन के लिए भी होता है और पायराल के लिए भी होता है, तीनों के लिए होता है, बस कैटलिस्ट का डिफरेंस होता है। बाकी अभी एक मैकेनिज्म देखते हैं, उसी को भी यहाँ पे सारे मैकेनिज्म को डिस्कस कर लिया जाए बाद में। हम यहाँ पर लेते हैं क्या है प्रिपरेशन में, इसमें आप लिया जाता है 1,4-1,4-डाई कीटोन 1,4-डाई कीटोन किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, इसका डाईसाइक्लिक एसिड, डाईसाइक्लिक एसिड क्या फॉर्म कर देता है, फ्यूरान डेरिवेटिव। जैसे 1,4-डाईकीटोन का आप कहते क्या है, 1,4-डाईकीटोन का आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1,4, 1, 2, 3, 4,
डाई कीटोन। ये हो गया आपका एक तो तीन सी एच, फिर दो सी एच टू, सी एच टू सी एच, ये आपका हो गया 1,4-डाई-कीटोन। इसके डेरिवेटिव है तो आप यहाँ पे सी एच थ्री लगा लीजिए, इधर भी एक सी एच थ्री, इधर भी लगा लेते हैं इसका डेरिवेटिव। अब इसी कंपाउंड को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ सी एस थ्री, सी एस थ्री को क्या मान लें आर, ये डेरिवेटिव में कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसी कंपाउंड्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी के यहाँ पे हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं। तो देखिए कैसे आगे प्रोसीड किया जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म होगा इसका इस तरीके से, थोड़ा मैकेनिज्म बड़ा पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। यहाँ हम लेते हैं टाई सक्लिक एसिड, या बहुत बुक में इसको इसके जगह पे P2O5 भी लिया जाता है। तो P2O5 जो लिया जाता है वो क्या होता है हीट के प्रेजेंस में, यहाँ पे ये होता है एक्चुअल में P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट करता है क्या है कि वाटर को रिमूव कर देता है वहाँ से। तो डायरेक्ट एक स्टेप अगर आप रिएक्शन को लिखना चाहो तो इस तरीके से होता है, P2O5 हीट के प्रेजेंस में आप कर दीजिए। दूसरा देखिए हम क्या करते हैं इसके मैकेनिज्म को, यहाँ पे जो टाई सक्लिक एसिड है तो ये क्या करता है H प्लस देगा। अब देखिए H प्लस कहाँ पर अटैक कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ का H प्लस जो आपका जाएगा इसके पास अटैक करेगा, इसके पास भी H है। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेप होगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर O प्लस H, ये R, O डबल वन, और यहाँ पे R। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, यहां से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लाना है डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखिए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ के एच प्लस होम इस पे अटैक कराते हैं, जो ही एच पे अटैक करेगा 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या करेगा तुरंत यहाँ का, एक मिनट ये रहेगा ना डबल बॉन्ड, ये तुरंत यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा हमारा इस तरीके से। यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे आर, और ये आपका हो जाएगा एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा, जगह ओ एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आर, इस तरीके से हो गया। इसका प्लस खत्म हो गया क्योंकि ऑक्सीजन में प्लस हाईली अनस्टेबल कर देता है कंपाउंड्स को। तो जो ही ये प्लस खत्म हो गया, अब आगे स्टेप में हम क्या करते हैं, देखते हैं इसके पास लोन पेयर है, इसका खुद का बचा हुआ, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको देगा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़ा है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्या करेगा, इसको अनस्टेबल करना चाहेगा, यानी इस कार्बन को खींचना चाहेगा, तो इस पर पार्शली पार्शली चार्ज होगा, इसलिए लोन पेयर अपना देगा। जो ही इसको लोन पेयर अपना दिया तो इस तरीके से अगले स्टेप में ये कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे आप चुका डबल बॉन्ड ये आर, ये आपका हो गया आर, यहाँ पर हो गया ओ, अब ये ओ आपका कार्बन से जुड़ चुका है, यहाँ पे आपका आर, यहाँ पे आपका ओ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जिस टाइम ये इसके साथ जुड़ेगा उसी टाइम ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ओ माइनस, इस तरीके से हो जाएगा, चूंकि इसने डोनेट किया है तो आप चाहे तो इस पर प्रेशर लगा सकते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, जो ही ये एच यहाँ पे अटैक करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये एच अटैक करेगा, तो एक मिनट यहाँ से अगले स्टेप में होगा, एच अटैक किया डबल बॉन्ड बना, यहाँ से माइनस, अच्छा यहाँ का जो H प्लस निकला था, सॉरी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ का जो H प्लस निकला था ये वाला H जो यहाँ पर अटैक किया था, तो वो H प्लस आपका बचा होगा यहाँ पे, ये H प्लस इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये यहाँ पर अटैक किया, जो ही ये अटैक करेगा या ऐसे ही समझे, जो ही ये अटैक किया तो यहाँ पे आपका बन जाएगा अगले स्टेप में डबल बॉन्ड आर, जगह ऑक्सीजन यहाँ पे आर, ये आपका माइनस है, ये माइनस आपका क्या पा जाएगा
इस एज को अटैक कर लेगा, ये बना लेगा आपका ओ एच। अब यहाँ पे एच को रहने दीजिए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ वाला एच आपका अटैक करेगा, यहाँ से ओ एच आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से एच प्लस, यहाँ से ओ एच, तो यहाँ क्या रिमूव हुआ, माइनस माइनस एच टू ओ, अगर माइनस एच टू यहाँ से रिमूव हो गया तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ओ, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा फ्यूरान डेरिवेटिव, इसको फ्यूरान भी बोल सकते हैं। यही आपका है पॉल नॉर सिंथेसिस रिएक्शन। यही रिएक्शन सब में होगा, सबके लिए थोड़ा सा कैटलिस्ट डिफरेंट होता है, बाकी मैकेनिज्म सब केसेस में ऐसे होंगे, बस एक थोड़ा सा पायरा का केस है। तो यहाँ पे एनएच डेरिवेटिव अमोनिया, आरएनएच टू, एनएच थ्री, इस ऐसे केस ऐसे ये वो कैटलिस्ट लेते हैं। तो ये आपका मैकेनिज्म पूरा सामने था। हमें यहाँ पे लास्ट में क्या कहता है, एस टू। बाकी रिएक्शन में अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख दिया जाता है कि यहाँ पर आप 1,4-di कीटोन ले लीजिए, इस टाइप इसका डेरिवेटिव, उसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिया जाता है आर आर। यहाँ पे आप क्या करो, P2O5 से रिएक्शन करा दो, P2O5 साथ में हीट। अगर ये काम आपने करा दिया तो डायरेक्ट ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्यूरॉन में। 1,4-di कीटोन का जो कॉन्सेप्ट था ये फ्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट एक ही स्टेप में। ये हो जाएगा फ्यूरॉन। इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है बुक में। P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को रिमूव कर देता है। तो जो मैंने इतना कॉन्सेप्ट किया है, यहाँ पे बहुत बुक में TSHO भी लिखा जाता है, इसको ट्राइसाइक्लिक एसिड भी बोलते हैं, TSHO। ये होता है मैकेनिज्म। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के 13 होते हैं आप लिख लीजिए। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्यूरॉन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में हम तीन प्रॉपर्टी को जानते हैं। इट इज ए कलर्ड लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 305 केल्विन। दूसरा प्रॉपर्टी है इसकी स्मेल होती है क्लोरोफॉर्म की जैसे होती है। तीसरा होता है कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे आपका अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, इन सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व होता है, कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, बट डज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये तीन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब इसका हम केमिकल देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूरॉन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि फ्यूरॉन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, किस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, तो टू वाले पोजीशन पे, 1, 2, 3, 4, 5, तो टू वाले पोजीशन पे हमारा सबसे प्रेफरेबल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने इसका रीजन पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहला इसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फ्यूरॉन, थायोफिल और पायरा, ये तीनों नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन, फेडरकॉट रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन से देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नाइट्रेशन। तो बोला मैंने एक चीज और बोला था कि सारे की जितने भी रिएक्शन होंगे सब में कैटलिस्ट डिफरेंट होता है। आपको पता है कि नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 आपका एज ए कैटलिस्ट, सॉरी एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स बिहेव करता है। ये NO2 किस जगह पे प्रेफरेबल करेगा, टू पोजिशन पे। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, इसका नाम होगा 2-nitrofuran। सेकंड के साथ है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H सल्फोनेशन होता है, एड होता है, किस पोजिशन होगा, दूसरे पोजीशन पे। तो यहाँ पे ऐसे हमें मिलेगा SO3H, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ बिहेव करेगा, किसके प्रेजेंस में, ये रिएक्शन प्रिडीन के प्रेजेंस होता है, क्योंकि प्रिडीन क्या करता है, एक अच्छा बेसिक नेचर होता है, उसके लोन पे डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, तो लोन पे डोनेट करके इस रिंग को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने से यहाँ पे सल्फोनेशन की एडिशन हो सकती है। तो दूसरे पोजिशन पर होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2-sulfonic furan, और उसके बाद आएगा थर्ड हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा, हैलोजिनेशन डायरेक्टली फ्यूरॉन के साथ नहीं होता है। तो हैलोजिनेशन क्या होता है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सॉरी डायरेक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ Br2 का एडिशन नहीं हो पाता है, इसलिए क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव ग्रुप लेते हैं, यानी एसिड के साथ इसका होता है। तो Br2 जब यहाँ पर अटैक करेगा, तो Br आपका Br+ Br- वो टूटेगा, बट एक्चुअली ऐसा टूटता नहीं है,
अब यहाँ पे क्या किया, बी आर ई चूंकि इस पोजीशन पे पहले से है तो यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, दूसरे पोजीशन पे इस तरफ से अटैक करेगा। तो यहाँ पर जब अटैक किया तो दूसरे पोजीशन पे बी आर जुड़ा। अब हमें पता है कि दो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो गया। अच्छा हो तो सी डबल ओ एच कैसे भी लिख सकते हो, सी डबल बॉन्ड को ओ एच माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ से बी आर दोनों एक ही ग्रुप के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़ गए, तो यहाँ से क्या करेगा, ये एच को डोनेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बैक बॉन्डिंग करके यहाँ से एच को रिमूव करेगा, माइनस होगा, माइनस होते यहाँ पर डबल बॉन्ड करेगा, यहाँ से एच आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हीट दे रहे हैं ना, हीट देते हैं हाइड्रोजन निकल जाती है, तो हाइड्रोजन निकला यहाँ पे माइनस माइनस ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे CO2 बन जाएगा। तो मैंने पहले ही बता चुका है कि जब भी किसी कंपाउंड में कोई भी गैस फॉर्म हो जाए तो एंट्रोपी सपोर्ट करती है, वहाँ से उसको रिलीज होने में यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा, फिर हमारा बन जाएगा 2-bromofuran। ये हो गया फोर्थ रिएक्शन आपका था फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में आप देखते हो जैसा कि एसिटिक एनहाइड्राइड हमने लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आपका इस तरीके से होता है CH3 CO CH3 CO CH3 CO। आप चाहे जहां से बाउंड ब्रेक कर दो, यहां से आपने बाउंड ब्रेक किया, ये हो गया पूरा पार्ट माइनस, ये हो गया आपका प्लस, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। हमें बताया कि इलेक्ट्रोफाइल्स किस पोजीशन पर अटैक करता है, सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन में सी ओ सी एस्टर का अटैक कर दिया, इसका नाम होगा 2-acetylfuran, या इसको फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन भी बोलते हैं, एसाइल का एडिशन। तो ये आपका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते थे थायोफेन के बारे में। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं थायोफेन की प्रिपरेशन के बारे में। तो थायोफेन की प्रिपरेशन के बारे में फर्स्ट प्रिपरेशन मिल गया फ्रॉम एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन आपका ये नॉर्मल ब्यूटेन 1-2-3-4, ये आपका हो गया एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन क्या होता है, 4S 4 सल्फर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 923 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर क्या बनाएगा, थायोफेन। थायोफेन और साथ में 3H2S। आप यहां से देख रहे हैं कि 3H2 6 एच निकला, 3S, तो आप देखिए इस कंपाउंड से आपका 3H 6H निकला है, तो 6H हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकला होगा 2-4, ये आपका पूरा H निकला होगा यहाँ से 1-2-3-4, ये आपका निकला होगा 3-2-3 6H, यहाँ से 3S और आपका ये बॉन्ड बनाया होगा 3H2S। दूसरा फिर हम डिस्कस करते हैं पॉलिमर सिंथेसिस। मैंने बोला था तीनों में आएगा, तो पॉलिमर सिंथेसिस के बारे में भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके पहले थायोफिन से पहले किसके बाद में डिस्कस किया था, फ्यूरान में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, सेम वही मैकेनिज्म होता है जहाँ पे सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाता है, बट अभी मैं मैकेनिज्म का डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ थायोफिन, कौन सा रिएक्शन, पॉलिमर सिंथेसिस रिएक्शन। तो पॉलिमर सिंथेसिस रिएक्शन में जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है, अच्छा ये ही रिएक्शन होता है जो इसके पहले मैंने P2H25 लिखा था, वो भी कैटलिस्ट यूज किया जाता है, यहाँ पे H2O8 कैटलिस्ट किया जाता है। एक्चुअली P2H5 आप यूज करो चाहे H2O8, यहाँ से दोनों समय एस सल्फर लिया जाता है, हाँ साथ में यहाँ पे एसिड भी रहता है, एक्सेस अमाउंट में रहता है, जितना एच वर्स है उतना हम ले सकते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लेते हैं 1,4-diketonic, 1,4-diketone, 1,4-diketone, उसका रिएक्शन हमने पहले कि एसिड एक्सेस अमाउंट में, तो यहाँ से एच प्लस रिएक्शन करेगा, ये एच कहाँ पर अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे जो ही अटैक किया यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया और इसका डबल बॉन्ड एच के साथ जुड़ गया। अब अगले केस में हम क्या करते हैं, H2O8 से एच से रिमूव होगा, यहाँ पे एच के पास लोन पेयर है, तो ये एच इस कार्बन के पास अटैक करेगा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो हाईली अनस्टेबल है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन खींचेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचा है प्लस चार्ज इसका खत्म, प्लस चार्ज खत्म होते ही यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, सल्फर अपना लोन पे डोनेट करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से इसका प्लस चार्ज खत्म भी हो चुका है, OH इलेक्ट्रॉन इसने खींचा और सल्फर यहाँ पे ऐड हो गया, R हो गया। अब देखिए क्या होता है अगले स्टेप में, चूंकि यहाँ पे H प्रेजेंट है आपका हर जगह पे प्रेजेंट है, तो इस H को क्या करते हैं, ये H प्लस यहाँ से रिमूव होगा, इसके पास जो लोन पेयर बचेगा वो यहाँ पे बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं कार्बन 5 बॉन्ड बना देगा, 1-2-3-4 एक एक्स्ट्रा 5, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा वहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ से H प्लस यहाँ से OH माइनस,
वाटर रिमूव हो गया तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बन आर और एस और यहाँ पे एजिट जैसे था ओ और आर। अब देखिए सल्फर के पास हमें पता है कि लोन पर अभी भी है, तो ये सल्फर क्या करेगा, इस कार्बन को जो बेचारा कार्बन है, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन है जो इसको इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसका, तो ये सल्फर अपना लोन पर देके इसकी मदद करेगा। जो ही सल्फर इसके पास लोन पर देगा, एक्चुअली होता क्या है, ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और पार्शली नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी हमेशा इसके साथ इलेक्ट्रॉन खींचते रहना, तो जो ही ये इसके पास अपना लोन पर लेके इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन जो ही अपना इलेक्ट्रॉन खींचा है वो जाएगा ओ माइनस, सल्फर इसके साथ जुड़ गया बांड से, तो यहाँ पे सल्फर बांड से जुड़ गया ये आर एजिट। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें पता है कि इसी एक्सेस अमाउंट में हमारे पास है तो एच प्लस हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा ही, तो एच प्लस हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं एच प्लस, लिया एच प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ के ओ एच बना दिया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, क्या चाहिए, यहाँ पे तो जुड़ा ये सी एच टू है ना, एक एच दो एच जितने एच आओ जितने क्या एक दो तीन दो एच रहेंगे, तो एक एच यहाँ से क्या करेगा तुरंत रिमूव होगा, इसका लोन पर यहाँ पे बांड इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे बांड इन्वॉल्व होते हैं कार्बन फाइव बांड बनाएगा, चूंकि यहाँ पे ओ एच एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ओ एच यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो एच प्लस यहाँ से और एच यहाँ से दोनों रिमूव हो गया, माइनस एस टू वाटर निकल गया, हमारे ये फ्यूरन एक्चुअल में फ्यूरन है, थायोफिन डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है, इसका नाम आप बता सकते हैं वन पोजिशन बता दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव, तो हो जाएगा टू फाइव टू फाइव डाई, अगर मिथाइल होगा टू फाइव डाई अल्काइल लिख दीजिएगा, टू फाइव डाई अल्काइल थायोफिन, तो ये आपका मैकेनिज्म था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो सारे इसके पहले मैंने बताया था फ्यूरान शो करता है, सारी केमिकल प्रॉपर्टी नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन ये भी शो करता है, फेरल करते हैं एसाइलेशन, तो वही सारी प्रॉपर्टी बस कैटलिस्ट का डिफरेंस है, तो आगे हम देखते हैं। देखिए अभी हम थायोफिन की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टी में वही सेम प्रॉपर्टी जो पीछे थे नाइट्रेशन सल्फोनेशन हैलोजिनेशन फेरल कट एसाइलेशन, तो हम क्या करते हैं पहले नाइट्रेशन देखते हैं, मैंने बोला था बस कैटलिस्ट का डिफरेंस होता है कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि भाई सेप में साइज में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, प्रॉपर्टी तो सबकी वही होती है, बट सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कपेयर में सल्फर की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है इसकी कम होती है क्योंकि स्टेबलाइजेशन इसकी ज़्यादा होती है। तो देखिए सल्फर यहाँ से एच एन ओ थ्री फ्यूमिक एच एन ओ थ्री लिया जाता है, उसके प्रेजेंस में हमें पता है एच एन ओ थ्री क्या देता है एन ओ टू प्लस देता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ पर अटैक करता है मैंने पहले बता चुका था सेकंड पोजिशन पर, सेकंड पोजिशन पर एन ओ टू का अटैक करा दिया, इसका नाम हो जाएगा टू नाइट्रो थायोफिन, टू नाइट्रो थायोफिन। आगे हम देखते हैं सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन क्या होता है, कोल कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, हमें पता है कि H2SO4 क्या होता है सल्फोनिक एसिड SO3H+ देता है और साथ में OH- भी रहता है, तो यहाँ पे भी पता है कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल होकर सेकंड पोजीशन पर अटैक करता है, सेकंड पोजीशन पर अटैक करके सल्फोनिक एसिड बता रहे, तो इसका नाम हो जाएगा टू सल्फोनिक टू सल्फोनिक थायोफिन। उसके बाद थर्ड आते हैं हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन में आप ब्रोमिनेशन वगैरह दे सकते, ब्रोमिन को ले भी सकते हो और आयोडीन को भी ले सकते हो, तो जब हम ब्रोमिन को लेते हैं हमें पता है बी आर प्लस बी आर माइनस में, तो एक बी आर को आप ले लो सेकेंड पोजिशन पर अटैक कर दो, इसका नाम हो जाएगा टू ब्रोमो थायोफिन। आगे देखते हैं फिडल क्रब एसाइलेशन, तो हमें पता है कि एसाइलेशन के नाम से ही पता चलता है कि एसाइल का एडिशन होगा, एसाइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा आपका सी एस सी सी ओ, मैंने बोला कि जहाँ से चाहो वहाँ से बांड ब्रेक कर दो, इधर चाहो तो इधर उधर चाहो तो इधर, तो यहाँ पे मैंने ब्रेक किया तो ये माइनस ये पूरा प्लस, तो ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजिशन से अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ SO4। SO4 क्या कहते हैं इसको रिएक्ट कराने में आसान होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड आसानी से नहीं ब्रेक होता था, SO4 चेंज में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे अटैक कर देगा, इसका नाम हो जाएगा आपको 1,2,2 एसिटिल थायोफिन, 2 एसिटिल थायोफिन। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, आप स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट होता है, ये भी उसी की तरह डिजॉल्व होता है, इट इज
कलरलेस लिक्विड, इट्स कलरलेस लिक्विड। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट स्मेल इज लाइक बेंजीन, इट्स स्मेल लाइक बेंजीन। थर्ड, इट सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड ईथर एंड नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे पायराल की प्रिपरेशन के बारे में। तो पायराल की प्रिपरेशन में पहला प्रिपरेशन होता है, इसका सिंथेसिस किया जाता है, एसिटिलीन और अमोनिया का एक साथ रिएक्शन किया जाता है रेड हॉट ट्यूब के प्रेजेंस में। एक्चुअल में रेड हॉट ट्यूब इसलिए प्रेजेंस क्या होता है, रेड हॉट ट्यूब से ये पास कराई जाती है, ये भी गैस है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस, देखो जब भी कोई भी चीज़ किसी हॉट ट्यूब से पास कराई जाती है तो वो मेटल होता है, मेटेलिक होने की वजह से हाइड्रोजन गैस को क्या कराता है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ का हाइड्रोजन गैस आपका क्या होगा, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा पायराल, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा H2। दूसरा होता है जैसे कि सारे रिएक्शन था पॉलनार सिंथेसिस, तो पॉलनार सिंथेसिस में क्या हुआ, वहीं आपका 1,4-diketone को किसके साथ, अमोनिया के डेरिवेटिव भी ले सकते हो, RnH2 R2nH, इस तरीके से आप अमोनिया के डेरिवेटिव भी ले सकते हो। तो यहाँ पर रिएक्शन सेम वही जो हर बार हो रहा था, यहाँ भी RR और यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन विद क्या हो जाएगा NH। इसके लिए मैकेनिज्म के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर आगे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर में इसका होता है फ्यूरान, आप ले लीजिए फ्यूरान को अमोनिया के साथ पास करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ 721 केल्विन टेम्परेचर Al2O3 प्रेजेंस। Al2O3 क्या होता है, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो Al2O3 क्या करता है, वाटर यहाँ से रिमूव कर देता है डायरेक्ट, NH ये बना देता है आपका पायराल। देखिए अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिमर सिंथेसिस रिएक्शन फॉर पायराल के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं, 1,4-diketone को लेते हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया के साथ कराते हैं। देखिए अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन कार्बन को डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करता है, क्योंकि इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की वजह से। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, अब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो जो ही इसको लोन पेयर डोनेट किया तो यहाँ पे आपका ये नाइट्रोजन प्लस चार्ज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया ने डोनेट किया था इसलिए अमोनिया प्लस चार्ज हो गया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं कि अमोनिया के पास प्लस चार्ज है, हमें पता है कि नाइट्रोजन ऊपर कभी भी प्लस चार्ज रहता है तो कंपाउंड अनस्टेबल माना जाता है। तो ये प्लस चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, एक एच प्लस डोनेट करेगा और वो एच प्लस किसके साथ रिएक्ट कर देगा, चूंकि ऑक्सीजन माइनस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये एच को तुरंत खींच लेगा, इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा OH और NH2, चूंकि इसके पास लोन पेयर बचा है तो लोन पेयर तो रहेगा ही। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि NH2 के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऐसे कार्बन को देगा अपना लोन पेयर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इलेक्ट्रॉन की कमी में सीधे से दिख रहा है यही कार्बन है जो बेचारा कार्बन कहलाता है। ये कार्बन क्या है, इसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचना चाहेगा इसके, तो इसके ऊपर ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा। ये लोन पेयर इसको डोनेट किया, यहाँ पे जियो ही इसने लोन पेयर डोनेट किया, सीधे अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन खींच लेगा जो पार्शली था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NH2 ने डोनेट किया इसलिए NH2 प्लस होगा, NHH प्लस होगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज R, सेम हियर OH R, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये O माइनस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव H प्लस को ये अपने ऊपर का प्लस चार्ज खत्म करना चाहता है, तो प्लस चार्ज खत्म करने के लिए H से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से H जो लिया H प्लस फ्री हो गया, H प्लस फ्री हो गया तो माइनस के साथ जाके जुड़ गया और यहाँ पर बन गया OH। तो अगले स्टेप में हमारा ये ROH तो सेम है, यहाँ पर हमारा N और H ये हो गया, इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पे OH कम्प्लीटली बन गया ये R। अब हमें पता है कि ये CH2 होता है जिसके ऊपर HH तो दो दो होते हैं,
हम एक एच यहाँ से क्या करते हैं, एच प्लस यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन एच प्लस निकलेगा, ओ एच क्या करेगा, एच प्लस यहाँ से निकला और ये अपना लोन पे डोनेट किया, लोन पे डोनेट करते हैं कार्बन पांच बॉन्ड बना दिया, एक दो तीन और एक चार, पहले से एक डबल बॉन्ड पांच, तो पांच बॉन्ड होते हैं कार्बन क्या हो जाता है अनस्टेबल। तो जब ये कार्बन अनस्टेबल हो हमें पता है ओ एच एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो ओ एच यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा पूरा लेके रिमूव हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ से H और यहाँ से OH, सेम हियर H और OH, तो दो मालिक्यूल HOH HOH यानी H2O निकले हैं, तो हम यहाँ से दो मालिक्यूल H2O निकाल देते हैं और हमारा रिएक्शन हो जाता है ये, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 यानी 2 5 डाई एल्काइल पायरल। तो ये था पाल नॉर सिंथेसिस का मैकेनिज्म। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ले लीजिए। देखिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं पायरल का, तो सबसे पहले इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड फेडरल क्रैब एसिडेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, मैंने पहले बताया था नाइट्रेशन मतलब NO2 रिलीज करेगा, कहाँ पे अटैक होता है, NO2 आपका अटैक होगा सेकेंड पोजिशन पर। यहाँ पर आते हैं देखते हैं, यहाँ पर वही सेम कहानी, सल्फोनेशन के केस में क्या होगा, सल्फोनेशन सल्फोनिक एसिड का एडिशन होता है किस पोजिशन पे, सेकेंड पे, तो SO3H आपका अटैक हो जाएगा। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप चाहें तो 4I2 आपको जनरल वे में पता है, I2 अगर है तो ये I प्लस और I माइनस में टूटेगा, वैसे ऐसा तो होता नहीं, बट यहाँ पे आप फ्री रेड का सब्स्टिट्यूशन होता है, हम इसको प्लस माइनस मान के चलते, तो आपको पता है बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, सेम ईयर यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप माइनस यहाँ पे प्लस, तो आपके पास 4 आयोडीन है, तो क्या करेंगे यहाँ का एच और यहाँ का एच एच, यहाँ का साथ में एच भी तो रिमूव होगा, तो यहाँ से आपका 4HI रिमूव होगा और साथ में 4I आपका ऐड होगा, तो 1 2 3 4 4 आयोडीन आपने ऐड कर दिया, 1 2 3 4 और साथ में यहाँ से चाहिए तो प्लस 4HI आप लिख सकते हैं। अगले केस में फेडरल क्रैब एसिलेशन होता है यानी एसाइलेशन, तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था एसिटिक एनहाइड्राइड जब लेते थे यहाँ पे, इसको आप ऐसे देख लीजिए CH3CO, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3CO, तो आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, O माइनस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच ले, पूरा ग्रुप प्लस, ये प्लस आपका अटैक कर जाएगा सेकंड पोजिशन पर, इसका नाम हो जाएगा आपका 2-acetyl-pyrrol, इसका नाम हो जाएगा 2-sulfonic-pyrrol, इसका नाम आप ध्यान दें पोजिशन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5 टेट्रा आयोडीन पायरल, और यहाँ पे इसका आप नाम जानिएगा 2-nitro-pyrrol और ये आपका जाएगा 2-acetyl-pyrrol। ये आप क्योंकि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं बट इंपॉर्टेंट यही चार प्रॉपर्टी है। मैंने सबसे पहले पहले लेक्चर में आपको बता दिया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फॉर्मूला कि इतने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो कहाँ पर अटैक करते हैं, सेकंड पोजीशन पे। उस दिन मैंने सारे डिस्कस किया था क्यों सेकंड पे होता है, क्यों थर्ड पे नहीं होता, क्योंकि थर्ड पे जो होता है उससे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है जबकि सेकंड पे आपका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू 2 के, इसलिए यहाँ पे मोस्ट प्रिफरेबल होता है। अब इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर देते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने पायरान, फ्यूरान और थायोपिन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ उसके प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पिरिडीन के बारे में, और पिरिडीन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये तीन और एक पिरिडीन 6 मेंबर रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पिरिडीन माना जाता है। तो पिरिडीन के लिए परेशान मत हो, कुछ रिएक्शन आपको रटने ही होंगे क्योंकि सारे मैकेनिज्म अगर मैंने कराया तो बहुत सारे टाइम इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके लिए हमें क्या करना है कि जितना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होगा वो मैं मैकेनिज्म कराऊंगा इंपॉर्टेंट,
बाकी आप रिएक्शन कुछ ऐसे रिएक्शन है तो आप उसको रन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।